हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता बेबी रानी मौर्य जी इस वक्त जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है बेबी रानी मौर्य जी आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर, और आप आगरा ग्रामीण से प्रत्याशी भी हैं। हमारा ओपिनियन पोल दिखा रहा है कि आपकी जीत की संभावना है। जनता की राय वहां के हमने लोगों के लिए वो कह रहे हैं कि बेबी रानी मौर्य जी बढ़िया काम कर रहे हैं, और बाकी भी हम जब आगरा को देख रहे हैं, पूरे इस बेल्ट को देख रहे हैं आगरा मथुरा के, तो बीजेपी का अपर हैंड है। आप इसको किस तरह देखती हैं? नहीं देखिए, बीजेपी ने कार्य किया है, हमारे योगी जी ने और मोदी जी ने जनता के लिए, सर्व समाज के लिए, दलितों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, विकलांगों के लिए, किसानों के लिए इतना कार्य किया है कि आज हमें जनता भरपूर प्यार दे रही है और हम अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। अब इस बार जब आप देख रहे हैं, देखिए जेपी नड्डा जी अभी भी आगरा में डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, आप लोग लगातार चूंकि प्रत्याशी भी हैं तो लगातार जनता के बीच में हैं, इस बार का चुनाव पिछली बार से कुछ अलग लग रहा है क्या आपको? इस बार भी कार्यकर्ताओं में, जनता में बहुत जुनून है और वो कार्य को, मोदी जी के और योगी जी के कार्य को सराह रहे हैं, और वो कहीं भी विरोध का शब्द एक नहीं आ रहा, केवल भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद हो रही है, केवल भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद हो रही है। और ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह का रिस्पॉन्स है विशेष रूप से? बहुत जुनून है, बहुत उत्साह है कार्यकर्ताओं में, बहुत खुश हैं और उन्हें लग रहा है कि हम ग्रामीण विधानसभा को सबसे ज्यादा मतों से जीत के लाएंगे। और जैसे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हो या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, मथुरा का विषय उठा रहे हैं, मंदिर का विषय उठा रहे हैं, उसका इम्पैक्ट कुछ दिख रहा है जमीन पर? नहीं, मंदिर तो बनना ही चाहिए, अगर भारत में मंदिर नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा जी। और अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है तो उसका इम्पैक्ट है, और यही कह रहे हैं कि जिस मंदिर जो बनवा रहे हैं हम उन्हीं को लाएंगे जी। बेबी रानी जी, एक प्रश्न ये भी है कि हम जब ये देख रहे हैं तो पहले आगरा क्षेत्र में या आसपास बीएसपी का ठीक ठाक होल्ड रहता था, लेकिन जब ये वाला ओपिनियन पोल हमने जनता के बीच किया है तो पता चल रहा है कि बीएसपी का वोट शेयर खिसक रहा है, इसकी आप कुछ मुख्य वजह मानती हैं? देखिए, उसकी मुख्य वजह यही है कि जो दलित बीएसपी